तो बच्चों भाई हम अभी तक हम लोगों ने टिशू वाले पोर्शन में, प्लांट टिशू वाले पोर्शन में हमने सिंपल परमानेंट टिशू के बारे में डिस्कशन किया था, जहाँ पे मैंने तुम्हें सिंपल परमानेंट टिशू के तीन टाइप बताए थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कलेरनकाइमा। और सिंपल परमानेंट टिशू क्यों होता है, क्यों उसको सिंपल परमानेंट टिशू कहते हैं, और क्यों अभी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू कहते हैं उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू क्यों कहते हैं, वो बातें भी बताई थी, लेकिन फिलहाल मैं एक बार और तुम्हें बता देता हूँ। देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू ऐसा टिशू होता है जिसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्या हुआ कि मान लो कि कोई एक सेल है, एक कोई दूसरा सेल, कोई तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, ये सेल ऐसे है, ठीक है। तो ये अगर एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू है तो इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू में हो सकता है कि ये दो सेल जो हों ये ए टाइप के हों, ये दो सेल हों बी टाइप के हों, और ये जो दो सेल हों सी टाइप के हों। तो यहाँ पे देखो कि एक ही टिशू के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, ऐसे सारे टिशूज़ को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू कहते हैं। प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू में प्लांट केसेस, प्लांट में जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू प्लांट के अंदर दो टाइप का होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। देखो स्ट्रक्चर की बात अभी हम करेंगे, स्ट्रक्चर में इनके कौन कौन से पार्ट हैं, इनके कौन कौन से हिस्से हैं, इसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन पहले कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं जाइलम और फ्लोएम दो पार्ट हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तभी तो इनके दो पार्ट हैं, तो पहले इनमें कुछ डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। ध्यान से समझो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू जो होता है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू प्लांट के अंदर कोर में प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर स्टेम हो, रूट हो, उसके कोर में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू है, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों का काम कंडक्शन ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन इन दोनों का काम होता है। पहला ये कोर में प्रेजेंट है, दूसरा इनका काम कंडक्शन ऑफ मटेरियल होता है, इस वजह से इनको कंडक्टिव टिशू या फिर वस्कुलर टिशू कहते हैं, वस्कुलर टिशू। देखो कंडक्शन का काम करते हैं इसलिए ये क्या है, कंडक्टिव टिशू, और कंडक्शन करने के लिए इनका अपीयरेंस क्या होना चाहिए, ट्यूबुलर अपीयरेंस होना चाहिए, इनका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होना चाहिए, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, वस्कुलर टिशू। तो जो डिफरेंट नेम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू क्यों नाम कहते हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू कहते हैं, और कंडक्शन ऑफ मटेरियल करते हैं इसलिए इनको कंडक्टिव टिशू कहते हैं, और कंडक्शन करने के लिए इनके अंदर ट्यूबुलर ट्यूब जैसा अपीयरेंस होना चाहिए, इस वजह से इसको वस्कुलर टिशू भी कहते हैं, क्लियर है। इसके बाद समझो कि जो फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिशू वस्कुलर टिशू हैं, तो जाइलम भी कंडक्शन ऑफ मटेरियल करेगा, फ्लोएम भी कंडक्शन ऑफ मटेरियल करेगा, लेकिन जाइलम जो है ये वाटर का कंडक्शन करता है, किसका कंडक्शन करता है बेटा, वाटर का कंडक्शन, और जो फ्लोएम है ये किसका कंडक्शन करता है, फूड का, किसका कंडक्शन करता है, फूड का। जो जाइलम है ये मिनरल का भी कंडक्शन करता है, जाइलम किसका कंडक्शन करता है, मिनरल का। फूड जो है ये हार्मोन का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो है वो हार्मोन का भी कंडक्शन करता है। तो जाइलम किसका किसका कंडक्शन करता है बेटा, वाटर एंड मिनरल, और फ्लोएम किसका कंडक्शन करता है, फूड और हार्मोन। ध्यान से समझो, चूंकि मिनरल वाटर में डिजॉल्व है तो इसे जहाँ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ पे जाइलम में जहाँ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। फूड और हार्मोन दोनों डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से उनका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के थ्रू होगा। याद कैसे रखोगे, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो फूड फ्लोएम, फूड फ्लोएम, फॉर से फ्लोएम, तो इन दोनों को एक साथ हमेशा रखना। यहाँ क्या है, जाइलम क्या है, वाटर का हिंदी क्या होता है, जल, तो जल से क्या है, जाइलम है, तो इन दोनों को एक साथ हमेशा रखना। तो जाइलम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर एंड मिनरल का, फ्लोएम में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड और हार्मोन का, क्लियर है पहला डिफरेंस।
दूसरा डिफरेंस क्या है, अब एक चीज देखना है आप, दूसरा डिफरेंस क्या है। इसे समझो यहाँ पे कि मान लो ये कोई, अगर ये कोई एक प्लांट है, मान लो ये कोई एक प्लांट है और इस प्लांट की ये रूट्स हैं, ये प्लांट है, इस प्लांट के रूट हैं और ये प्लांट के डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये डिफरेंट ब्रांचेज हैं। डिफरेंट ब्रांचेज पे मान लो, ये डिफरेंट ब्रांचेज पे मान लो कि ये लीव्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेज पे इनके ये लीव्स हैं। लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का काम होता है, लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस का काम होता है और प्लांट को मोस्ट ऑफ द वाटर की जरूरत किसके लिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। इतना तो पता है ना कि मोस्ट ऑफ द वाटर की जरूरत किसके लिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए होती है प्लांट के अंदर। अब एक चीज समझो यहाँ पे, प्लांट के अंदर मोस्ट ऑफ द वाटर की जरूरत फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पे है, लीफ में है, और वाटर जो प्लांट को मिलता है वो कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड सोर्सेस से, कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड सोर्सेस से, अंडरग्राउंड सोर्सेस से। जरूरत कहाँ पे है वाटर की, लीफ को, मिनरल और वाटर की जरूरत किसको है, लीफ को। तो जो जाइलम है वो वाटर का कंडक्शन हमेशा नीचे से कहाँ करता है, ऊपर की तरफ, हमेशा कहाँ करता है, नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब इसका कंडक्ट भी, वाटर की जरूरत कहाँ के, वाटर की जरूरत, वाटर का सोर्स कौन सा है, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर की जरूरत किसको है, लीफ को। तो इसलिए वाटर का कंडक्शन जब जाइलम के थ्रू होगा तो हमेशा वर्टिकल होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। और जो जाइलम के अंदर जब कंडक्शन इसका होगा तो जाइलम के अंडर कंडक्शन क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में, कहाँ से, अंडरग्राउंड सोर्स से लेके और कहां तक, लीफ तक। अब ऐसा नहीं कि लीफ से फिर वाटर अंडरग्राउंड सोर्स में, यानी कि रूट में आएगा, रूट से लेके कहां जाता है, वाटर लीफ तक जाता है, और लीफ में जाके उसका फोटोसिंथेसिस होता है और वहां से ट्रांसपिरेशन भी होता है, जो वाटर वेपर के फॉर्म में बनके उड़ जाते हैं। तो ये दूसरा, पहला पॉइंट क्या था, वाटर और मिनरल का कंडक्शन जाइलम करते थे। दूसरा पॉइंट कि इनमें जो कंडक्शन का डायरेक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। फ्लोएम के केस में क्या है, फ्लोएम के केस में मान लो कि यहाँ पे वाटर पहुँच गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, फूड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन हो गया। फ्लोएम में चूंकि हार्मोन का भी ट्रांसपोर्टेशन करना है, अब मान लो कोई हार्मोन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ और इस हार्मोन की जरूरत प्लांट के हर एक पार्ट को होगी, तो प्लांट मान लो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ हार्मोन, मान लो ये लोकेशन ए मानो, ये लोकेशन बी मानो, मान लो कोई हार्मोन यहाँ पे, हार्मोन H1 यहाँ प्रोड्यूस हुआ, हार्मोन H2 यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब हो सक प्लांट, हार्मोन की जरूरत तो प्लांट के हर एक पार्ट को है, तो हो सकता है कि H1 जो H2 हार्मोन जो प्रोड्यूस हुआ था उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ करना होगा, और जो H1 जो ट्रांसपोर्ट जो हार्मोन यहाँ प्रोड्यूस हुआ था उसका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे करना होगा। तो मतलब क्या है कि फ्लोएम के अंदर जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मान लो ये कोई फ्लोएम है तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ भी होगा, क्यों, क्योंकि रिक्वायरमेंट वैसी है। तो इसलिए फ्लोएम के केस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, वो क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, या फिर कभी कभी किसी किसी बुक में या किसी किसी केस में मल्टी डायरेक्शनल भी लिखा होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जाइलम है उसके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमेशा रूट से लेकर लीफ की तरफ एक ही डायरेक्शन में होता है, आपको वाटर नीचे से ऊपर जाएंगे लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आएंगे। लेकिन फ्लोएम के केस में क्या है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंसेस क्या है, जाइलम जो है यहाँ पे, नेक्स्ट डिफरेंस समझेंगे यहाँ पे, जाइलम जो है वो जाइलम के अंदर चार तरह के सेल्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो इसलिए यहाँ पे फोर टाइप ऑफ, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, तो जाइलम के अंदर फोर ग्रुप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं भाई जाइलम के अंदर, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहला इसका कंपोनेंट होता है ट्रैकीड, पहला कंपोनेंट क्या होता है, ट्रैकीड होता है। दूसरा कंपोनेंट क्या है इसका, दूसरा कंपोनेंट है वेसल्स, दूसरा कंपोनेंट क्या है, वेसल। तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा कंपोनेंट इसका क्या होता है, जाइलम फाइबर, चौथा कंपोनेंट क्या होता है, जाइलम फाइबर। अब ये जाइलम फाइबर कह लो या फिर जाइलम स्केलरेन्काइमा कह लो, देखो स्केलरेन्काइमा जब तुम्हें पढ़ाया था तो स्केलरेन्काइमा में दो तरह के सेल्स बताए थे, एक जो फाइबरस, फाइबर इलांगेटेड जो सेल्स थे उनको फाइबर कहते थे, और जो पॉलीगोनल शेप के सेल थे उनको हम क्या कहते थे, स्केलरॉइड कहते थे। तो वो फाइबर वाला हिस्सा यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जाइलम के चार कंपोनेंट, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो,
जाइलम फाइबर यानी कि स्क्लेरेनकाइमा सेल यानी कि ये क्या होता है, डेड होता है, डेड सेल से बना होता है। ट्रैकीड जो है ये भी डेड सेल से बना होता है, ये मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूंगा। वेसल जो है ये भी डेड सेल से बना होता है, ये भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। और पैरेनकाइमा के बारे में तुम्हें पहले ही बता रखा है कि ये लिविंग सेल से बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो जाइलम होता है उस जाइलम के तीन कंपोनेंट ट्रैकीड, वेसल्स और जाइलम फाइबर किससे बने हैं, डेड सेल से। और सिर्फ एक कंपोनेंट जाइलम पैरेनकाइमा किससे बना है, लिविंग सेल से बना है। ऐसे ही जो फ्लोएम है ये भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो इसके भी टाइप होंगे, फ्लोएम के भी, फ्लोएम में भी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो फ्लोएम का जो पहला कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं सीव ट्यूब, उसको क्या कहते हैं बेटा, सीव ट्यूब। फिर उसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट सीव ट्यूब, दूसरा इसका जो कंपोनेंट है उस दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं कंपेनियन सेल, क्या कहते हैं बेटा, कंपेनियन सेल। और इसका जो तीसरा कंपोनेंट है उस तीसरे कंपोनेंट को कहते हैं फ्लोएम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, तीसरे कंपोनेंट को फ्लोएम पैरेनकाइमा कहते हैं। और चौथे कंपोनेंट को फ्लोएम फाइबर कहते हैं, चौथे कंपोनेंट को फ्लोएम फाइबर कहते हैं, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा कह लो। अच्छा, ये तुम्हें पहले से ही पता है कि ये डेड होगा, डेड सेल से मिलकर बना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो स्यूट्यूब होता है ये लिविंग सेल से बना होता है। स्यूट्यूब किससे बना होता है बेटा, लिविंग सेल से, आगे एक्सप्लेन करूंगा जब डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो कंपेनियन सेल होता है ये भी लिविंग होता है, कंपेनियन सेल भी किससे बना होता है, लिविंग से बना होता है। फ्लोएम जो पैरेनकाइमा जो होता है ये ऑलरेडी तुम्हें पता है पैरेनकाइमा है तो लिविंग सेल से बना होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस समझो, यहाँ पे चार कंपोनेंट में तीन कंपोनेंट डेड सेल से बने थे, यहाँ चार कंपोनेंट में तीन कंपोनेंट लिविंग से बने थे, यहाँ एक कंपोनेंट लिविंग था, यहाँ एक कंपोनेंट डेड है। तो सिंपल सा यहाँ पे तुम्हें डिफरेंस जो फ्लोएम और जाइलम के बीच में तुम्हें समझ में यहाँ पे आता होगा कि जो जाइलम है उसके मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट डेड सेल से बने हैं और फ्लोएम के मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट लिविंग सेल से बने हैं। तो ये डिफरेंसेज हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, जो दो टाइप हैं जाइलम और फ्लोएम उसके बीच में, और इनके कंपोनेंट के नेम और क्या क्या डिफरेंसेज इनके बीच में हैं, ठीक है। तो ये हम आगे अब एक एक करके जाइलम और फिर फ्लोएम का स्ट्रक्चर समझेंगे और स्ट्रक्चर के बाद उसके कौन से कंपोनेंट का क्या रोल होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। बस याद रखना कि जो स्ट्रक्चर वाइज जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ही तुम्हें ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा कि क्यों मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जाइलम के डेड है और क्यों मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट फ्लोएम के लिविंग है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं कि जाइलम के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं जाइलम का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो जाइलम के चार कंपोनेंट थे, चार कंपोनेंट में तुमको पैरेनकाइमा पहले पढ़ा देता हूं, पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा का स्ट्रक्चर सिंपल परमानेंट टिश्यू में पड़ा था। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पैरेनकाइमा था वही पैरेनकाइमा यहाँ प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जाइलम में प्रेजेंट है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा। ये जो जाइलम पैरेनकाइमा है इसका ये जो है इसका काम होता है स्टोरेज, वहाँ पे बताया था स्टोरेज का काम करता है, किसका स्टोरेज काम करता है, फूड मटेरियल्स का स्टोरेज काम करेगा, तो यहाँ भी स्टोरेज का काम करेगा। दूसरा इसका काम तुमको बताया था कि ये पैकिंग करता है, पैकिंग करता है, किसका पैकिंग करता है, जो प्लांट टिश्यू के पार्ट्स होते हैं, ये थोड़ा सा एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये रोल इसके तुमको यहाँ पे समझने पड़ेंगे। तो जाइलम पैरेनकाइमा का स्ट्रक्चर पहले पढ़ा रखा था, फंक्शन उसके यहाँ जाइलम में क्या क्या है, स्टोरेज का काम करता है, पैकिंग का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है। एक फंक्शन इसका और है, ये जो हॉरिजॉन्टल या साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर है, साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर कौन करता है, जाइलम पैरेनकाइमा। जैसे समझो मान लो ये प्लांट था, ये उसका रूट था, ये रूट था, तो मान लो ये जाइलम, अगर ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम का ट्रैकीड एंड वेसल है, तो यहाँ से जब वाटर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो स्टेम को भी कुछ कुछ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो मान लो इस स्टेम की इस हिस्से को वाटर की जरूरत है, तो यहाँ एक जाइलम पैरेनकाइमा होगा जो यहाँ से वाटर क्या करेगा, इस वाले हिस्से को दे देगा, इस वाले हिस्से की जरूरत है, यहाँ जाइलम पैरेनकाइमा होगा इस वाटर वाले हिस्से को वाटर दे देगा। तो साइड वाइज कंडक्शन ऑफ वाटर कौन परफॉर्म करता है, जाइलम पैरेनकाइमा। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा जो है जाइलम फाइबर, दूसरा क्या पढ़ा था तुमने, जाइलम फाइबर स्ट्रक्चर, इसका तुमको वहां बताया था, जाइलम फाइबर इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर फाइबर की तरह। तो जाइलम फाइबर जो है इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर वाले टिश्यूज हैं,
जाइलम फाइबर किससे बने थे? डेड सेल से बने थे, और इनका काम क्या होता था? ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे। तो चूंकि वहाँ भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते थे, यहाँ भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। तो जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम फाइबर में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस नहीं है। जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा था वही स्ट्रक्चर इनके यहाँ भी होते हैं, फंक्शन भी उनके यहाँ पे भी वही होते हैं, ठीक है। अब बचता है जाइलम में दो अलग अलग तरह का सेल्स, जिसको कहते हैं ट्रैकीड और वेसल, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकीड और वेसल। देखो ट्रैकीड क्या होता है, सबसे पहले समझो। ट्रैकीड के लिए एक ग्रुप ऑफ वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? ट्रैकीड जो है ये इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं विथ टैपरिंग एंड, ठीक है। इलॉन्गेटेड सेल्स विथ टैपरिंग एंड, ध्यान से समझो। मान लो ये एक सेल था, हमने क्या किया, इसके दो एंड पकड़ के खींच दिया, ये क्या हो गया, इलॉन्गेटेड हो गया। तो मान लो ये क्या हो गया, इलॉन्गेटेड सेल हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, हमने इसको दो एंड से पकड़ के खींच दिया, इलॉन्गेटेड हो गया। फिर क्या वर्ड है, टैपरिंग एंड। हमने क्या किया, किसके दोनों एंड को पकड़ के टैप कर दिया, ऐसे दबा दिया। टैपरिंग का मतलब टैप करके दबा दिया। तो क्या आफ्टर इलॉन्गेशन एंड टैपरिंग इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये ट्रैकीड के जो सेल्स होते हैं कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। और क्या होता है इनमें भाई, पहला तो ये हो गया कि इलॉन्गेटेड सेल्स विद टैपरिंग एंड। अभी क्या है अगला, इनके सर्फेसिस पे बहुत सारे पीट्स प्रेजेंट होते हैं। पीट्स का मतलब क्या होता है, गड्ढा या होल, ठीक है। पीट्स का मतलब क्या होता है, गड्ढा या होल। तो इनके सर्फेस पे बहुत सारे ऐसे पीट्स प्रेजेंट हैं, होल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये पीट्स प्रेजेंट होते हैं, पहला। दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो ट्रैकीड हैं, इन ट्रैकीड के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रैकीड के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। जाहिर सी बात है भाई, देखो कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं कौन, ट्रैकीड। वाटर का कंडक्शन करना है। अब एक तो हम नीचे से ऊपर की तरफ वाटर का कंडक्शन करा रहे हैं, ग्रेविटी खुद ही नीचे खींच रही है। ऊपर से मान लो यहाँ बीच में बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस ऐसे प्रेजेंट हो, तो वाटर जब यहाँ से एंट्री करेगा तो एक तो उसको ग्रेविटी नीचे की तरफ खींच रही है, ऊपर से तुमने यहाँ बैरियर लगा रखा है, तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर ऊपर तक नहीं हो पाएगा, वाटर का कंडक्शन ऊपर तक नहीं हो पाएगा। तो वाटर के कंडक्शन में चूंकि हेल्प कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके अपने आप को ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वाटर के कंडक्शन को सपोर्ट करे। तो जो मैच्योर, जो यहाँ पे मैच्योर ट्रैकीड होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ताकि प्रॉपर ट्यूब जैसा अपीयरेंस मिल पाए, ताकि वाटर का कंडक्शन यहाँ पे प्रॉपर हो पाए। तो ये ट्रैकीड का स्ट्रक्चर था, ठीक है। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है वेसल। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, वेसल। देखो यहाँ पे ट्रैकीड जो है वो एक एक सेल से मिलके बना, एक एक सेल ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, ट्रैकीड का फॉर्मेशन हो जाता है। वेसल क्या है, वेसल जो है ये मल्टी सेलुलर कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे सेल आपस में, जैसे मान लो एक सेल ये हो गया, ऐसे हो गया, ये सेल्स हो गए। अब इन सेल्स के जो साइटोप्लाज्म, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको बीच से ऐसे क्या कर दो, इनके अंदर होल बना के इनको रेगुलर कर दो, ऐसे होल बना के रेगुलर कर दो। तो फिर क्या है कि ये होल बना के तुमने रेगुलर कर दिया। जो वेसल्स हैं वो बहुत ढेर सारे सेल से मिलके बने होते हैं, और इनके बीच में जो सेल मेम्ब्रेन है उनके बीच में होल्स प्रेजेंट होते हैं जो इनके साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ऐसा अपीयरेंस सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। कैसा अपीयरेंस होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनके अंदर भी न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, पहले डिस्कशन कर चुके हैं, ताकि वाटर का कंडक्शन, ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प कर सके। तो ये ट्रैकीड का स्ट्रक्चर, मान लो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे ओपनिंग और इसी के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पे ट्रैकीड है, ट्रैकीड के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट। ये ट्रैकीड और वेसल दोनों मिलके कंडक्शन ऑफ वाटर करते हैं। जाइलम के अंदर दो कंपोनेंट तुमने पहले पढ़ा था, दोनों कंपोनेंट किसको, वाटर के कंडक्शन के लिए जो के में ट्रैकीड और वेसल हेल्प करते हैं, और उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन, जाइलम पैरेंकाइमा और जाइलम स्केलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन किस डायरेक्शन में ये दोनों मिलके करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये आपके सामने जाइलम जो टिश्यू था वो तुम्हारे जाइलम टिश्यू का स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको फटाफट लिख लो, फिर नेक्स्ट आगे समझते हैं।
तो ये जाइलम आपने समझा यहाँ पे क्यों डेड होते हैं उसके बारे में भी आपने समझा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको समझना है फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम क्या होता है। चल बेसिकली फ्लोएम का स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे समझना है। फ्लोएम का भी स्ट्रक्चर में पहले हम फ्लोएम पैरेन्काइमा डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा ही है बेसिकली, ये पैरेन्काइमा सेल से ही होते हैं, क्योंकि ये फ्लोएम में प्रेजेंट है इस वजह से इनका नाम फ्लोएम पैरेन्काइमा है। इनका भी काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल को स्टोर करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं। दूसरा पैकिंग का हेल्प करते हैं, और तीसरा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा का यहाँ पे आपको काम मिल गया। स्ट्रक्चर आपने पहले ही पढ़ रखा है सिंपल परमानेंट टिश्यू में। इसके बाद है फ्लोएम फाइबर। इसके बाद क्या है बेटा, फ्लोएम फाइबर, इसका भी स्ट्रक्चर स्केलेनकाइमा में आपको पढ़ा रखा था, क्योंकि ये ऐसा स्केलेनकाइमा वाला फाइबर है जो कि फ्लोएम में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्लोएम फाइबर। इसका काम क्या होता है, ये फाइबर चूंकि डेड सेल से बना होता है तो ये क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पैकिंग करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब हमको बेसिकली यहाँ पे डिस्कशन में लेना क्या है, स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर डिस्कशन में हमको लेना है सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल को। देखो सीव ट्यूब जो होता है, ये इसके सेल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब के जो सेल्स होते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, और सिलेंड्रिकल सेल्स एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसे, ये समझो सिलेंड्रिकल सेल्स थे ऐसे, और ऐसे क्या थे, एक दूसरे से अरेंज थे, ऐसे एक दूसरे के साथ लाइनिंग में बने हुए थे। अब ध्यान से समझना क्यों ऐसे ट्यूब को सीव ट्यूब कहा गया। इसलिए कहा गया कि इन दोनों सेल्स के बीच का जो ये पैरेलल वाला हिस्सा है, इन दोनों सेल्स के बीच का जो ये कॉमन मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है, जहाँ पे ये दोनों के एक बेस और एक का टॉप एक दूसरे के साथ पैरेलल हिस्से में आता है, जैसे मान लो कि ये पैरेलल मेम्ब्रेन है इन दोनों का, इस वाले हिस्से में क्या होता है कि एक स्पेशल काइंड का यहाँ पे ओपनिंग होल बनाया जाता है। इसके बेस में एक होल ऐसे बना दिया, एक होल ऐसे बना दिया, जस्ट इसके नीचे इसके टॉप वाले मेम्ब्रेन में ऐसे होल बना दिया। तो इस तरह के अरेंजमेंट को जहाँ पे दो पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच में कंटिन्यूअस एक के सामने एक होल्स प्रेजेंट हों, और इन दो इस होल्स की मदद से यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ और यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफर हो पाए, ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं सीव अरेंजमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, सीव अरेंजमेंट। तो चूंकि इस ट्यूब में ये सीव अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ होल ऐसे होल, यहाँ होल ऐसे होल प्रेजेंट होता है, यहाँ होल है, ये होल है, ये होल है, और इसके सामने जस्ट यहाँ पे भी होल है, तो ऐसे सीव अरेंजमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है ये ट्यूब, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब कहते हैं। अब सीव ट्यूब की कुछ प्रॉपर्टी समझो। यहाँ जो सीव ट्यूब होता है ये कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन का काम सब यही करता है, कंडक्शन ऑफ फूड और कंडक्शन ऑफ फ्लोएम। इसके अलावा कोई और टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो कंडक्शन में हेल्प करे। जाइलम में दोनों काम करते थे, ट्रैकिड और वेसल, लेकिन फ्लोएम में सिर्फ कौन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सीव ट्यूब। अब ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं इसलिए इनके अंदर भी न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, एबसेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, एबसेंट होता है, ठीक है। वहां पे भी न्यूक्लियस एब्सेंट था, वहां पे तो साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट था, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों एब्सेंट था, इस वजह से वो डेड था। लेकिन यहां पे सिर्फ क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ताकि मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे फूड हो चाहे हार्मोन, उसका ट्रांसपोर्टेशन इजिली हो पाए। इसलिए जो मेच्योर सीव ट्यूब सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट होने का ये मतलब नहीं है कि ये डेड होते हैं, ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। ये थोड़ा सा ऑड लगेगा आपको, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो सेल्स होते हैं उनके तीन इसेंशियल कंपोनेंट, एक न्यूक्लियस यानी कि जेनेटिक मटेरियल, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक तो ये मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में इजीली हेल्प करते हैं, दूसरा इनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस का वर्क परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल सपोर्टिव सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल के जस्ट वेसिनिटी में, इनके एकदम बगल में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। जो कंपेनियन सेल हैं वो सीव ट्यूब सेल के जस्ट वेसिनिटी में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है ये जरूरत से ज्यादा बड़ा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, जरूरत से ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसके बाद ये जो कंपेनियन सेल हैं इनके वाल
और सीट्यूब सेल के वॉल के बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू इनके साइटोप्लाज्म एक दूसरे के अंदर आ जा सकते हैं, ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे पोर्स प्रेजेंट हैं जिसके थ्रू इन कंपेनियन सेल का साइटोप्लाज्म यहाँ और यहाँ का साइटोप्लाज्म वहाँ जा सकता है। अब ध्यान से समझना, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो रहा है इनके बीच पोर प्रेजेंट है, तो क्या होता है कि ये जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपने सेल के वर्क को कंट्रोल करने के साथ साथ सीट्यूब सेल के वर्क को भी कंट्रोल करता है। तो चूंकि न्यूक्लियस का सारा जो सपोर्ट है वो कंपेनियन सेल से मिल जाता है सीट्यूब सेल को, तो इसलिए इसको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं, और ये न्यूक्लियस क्या कर देता है, लूज कर देता है ताकि कंडक्शन ऑफ मटेरियल इजिली हो पाए। तो यहाँ पे आपको कंपेनियन सेल का भी रोल यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा कि कंपेनियन सेल जो होते हैं वो सीट्यूब सेल के विसिनिटी में प्रेजेंट होते हैं और वो उनको कंडक्शन ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं, और उनके जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस अपने सेल के साथ साथ सीट्यूब सेल के भी वर्क को कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर पूरा पूरा समझ में आ गया होगा, जाइलम का भी स्ट्रक्चर आपने समझ लिया होगा, सीट्यूब को सीट्यूब क्यों कहते हैं और उनमें क्यों न्यूक्लियस एब्सेंट होने के बावजूद भी वो लिविंग होता है, क्योंकि कंपेनियन सेल उसका सारा का सारा फंक्शन खुद से परफॉर्म कर देता है। तो ये आपके पास वस्कुलर टिश्यू कह लो या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह लो, कंडक्टिव टिश्यू कह लो, ये कंडक्टिव टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू का पूरा ओवरव्यू आपके पास यहाँ पे सामने था। इसमें अगर किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस और कॉर्क, और फिर उसके बाद एक सेशन लेके आएंगे जिस सेशन में हम लोग प्लांट टिश्यू पे बेस्ड बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।